और एक पेशेंट दिल्ली से लुधियाने गया 1,20,000 रुपये। देख सकते हैं कि कुछ की हालत जो है वो गंभीर भी है। हॉल्स हेल्प इंटरनेशनल जो काम कर रही है इसमें पूरे 1 साल हो गए इनको कोरोना से फाइट करते। हॉस्पिटल में भी अब जो है अपनी मदर को लेकर गए? अभी कहीं बेड अवेलेबल नहीं है कहीं भी आसपास, सब जगह ट्राई कर लिया कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है। 500 से 1,000 आदमी लाइन लगा के यहाँ खड़ा हुआ था पर हर आदमी को हैंडल किया गया। मैं फलक इरफान अपने कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम के श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारे में। कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो हमने ऐसे में सरकार और अस्पतालों की अव्यवस्था देखी, लेकिन ऐसे में यहाँ इस गुरुद्वारे में खालसा हेल्प इंटरनेशनल ने सबसे पहले एक कमाल कर दिखाया। उन्होंने ऑक्सीजन लंगर की सेवा शुरू करी। जी हाँ, आपने लंगर कई तरह के देखे होंगे लेकिन ऑक्सीजन लंगर अपने आप में ही एक अनूठा लंगर था जो पूरे विश्व में पहली बार शुरू किया गया यहाँ इस गुरुद्वारे से खालसा हेल्प इंटरनेशनल द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी दिन हो चुके हैं इस लंगर सेवा को शुरू हुए। मरीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बकायदा देखिए किस तरह से यहाँ पर पलंग तख्त जो हैं बिछाए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर दिन भर का लंगर जो है सेवा वो चलती रहती है। उसके अलावा हर वक्त यहाँ पर वॉलंटियर्स मौजूद रहते हैं, डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद रहती है। यहाँ पीछे से लाइन से मैं जहाँ से चलती आ रही हूँ यहाँ तक आपको वहाँ दूर तक देखिए यहाँ पर आपको पूरा जो है ये बेड्स की जो है एक कतार दिखेगी। हालांकि राहत भरी खबर ये है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा था लेकिन अब धीरे धीरे मरीजों में थोड़ी कमी आई है, अब धीरे धीरे शायद हालात सुधर रहे हैं, लेकिन जो अभी भी इससे पीड़ित हैं उनकी हालत गंभीर है। ऐसे में यहाँ ये रोड है जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, ये मेन रोड है, लेन है ये पूरी जहाँ पर ये गुरुद्वारा साहिब जो है यहाँ पर मौजूद हैं और यहीं इस रोड पर ही जो है ये पूरी व्यवस्था कर रखी है। उसके अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा के अलावा यहाँ पर एंटीजन टेस्ट, RT-PCR टेस्ट और यहाँ पर कई और तरह की सेवाएँ भी दी जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कई मरीज हैं जो इस वक्त यहाँ दिन के वक्त मौजूद हैं, कुछ की हालत गंभीर भी हो सकती है और कुछ की थोड़ी सही। ऐसे में हर तरह के इंतज़ाम यहाँ पर इस NGO द्वारा जो है वो किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो इनके परिजन हैं जो मरीज़ हैं उनके खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ पर खालसा हेल्प इंटरनेशनल द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितनी वृद्ध जो हैं ये एक मरीज़ हैं, इनके साथ कुछ इनके अपने मौजूद हैं, इन्हें यहाँ ये खाने पीने का इंतज़ाम जो है यहाँ पर ये NGO द्वारा ही जो है मुहैया कराया जा रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। आपका कोई मरीज़ यहाँ पर अभी क्या भर्ती है? हाँ जी, मेरी मदर है। अच्छा, क्या उनकी सीरियस क्या कंडीशन है? ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है काफ़ी। कितना हो रहा है? 70-75 के आसपास। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पर फर्स्ट डे आए हैं या पहले से आ रहे हैं? ये फर्स्ट डे है। अच्छा, तो आपको यहाँ पर आकर क्या कुछ इंतज़ार करना पड़ा या डायरेक्टली आप? इमीडिएटली ऑक्सीजन अवेलेबल था, इमीडिएटली लग गया ऑक्सीजन। आपने किसी हॉस्पिटल में भी जो है अपनी मदर को लेकर गए? अभी कहीं बेड अवेलेबल नहीं है कहीं भी आसपास, सब जगह ट्राई कर लिया कहीं अवेलेबिलिटी नहीं है। कब से जो है आपकी मदर की तबीयत ख़राब हुई? 4 दिन से तबीयत खराब है। अच्छा, आपने इनका टेस्ट भी करवाया? हाँ जी, पॉजिटिव रिपोर्ट है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको क्या मना किया गया क्योंकि पॉजिटिव हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए बोला गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आते ही जस्ट ऑक्सीजन मिल गया है तो बस वो थोड़ा अभी पहले से ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है पहले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को भी जो है यहाँ पर भर्ती किया जा रहा है क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, ऐसे में मरीज़ों को यहाँ से वापस नहीं भेजा जा रहा है। और देख सकते हैं कि कुछ की हालत जो है वो गंभीर भी है, ऐसे में वॉलंटियर्स हर वक्त यहाँ मौजूद रहते हैं
इनका ऑक्सीजन लेवल जो है यहाँ पर नापने के लिए हर वक्त जो है यहाँ पर एक वॉलंटियर्स और डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मुहैया है, जो हर वक्त यहाँ पर निगरानी रखती है हर पेशेंट के ऊपर। किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है यहाँ से हॉस्पिटल रेफ़र करने के लिए, तो यहाँ पर एम्बुलेंसेज भी आगे जो है काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं। उन एम्बुलेंसेज में आप देख सकते हैं, ये जैसे खालसा हेल्प की गाड़ी है, ऐसी गाड़ियों में मरीज़ों को जो है हॉस्पिटल तक जो है पहुंचाया जाता है, यानी कि हर तरह की मदद यहाँ पर करी जा रही है। यहाँ पर कई मरीज़ जो हैं भर्ती हैं, साथ में उनके परिजन भी यहाँ मौजूद हैं, और आप दुख उनके चेहरे पर साफ देख सकते हैं, क्योंकि कोरोना की लहर कई लोगों को जो है अब तक अपनी चपेट में ले चुकी है। आप बता सकती हैं आपके साथ कौन मौजूद है? हाँ, मेरे हस्बैंड हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? साहिबाबाद से ही आए हैं। अच्छा, ये इन्हें क्या दिक्कत हो रही है? इनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन है। अच्छा, आपने इनका टेस्ट कराया, क्या आया? ऑक्सीजन लेवल ही डाउन है, अभी एक दो टेस्ट और रह रहे हैं, अभी वो कराने हैं। अच्छा, तो आप यहाँ आज फर्स्ट डे आई हैं या पहले भी आती हैं? नहीं, सेकंड डे है आज। अच्छा, कल तो यहाँ पर जैसे आप अभी क्या इनका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है? ऑक्सीजन लेवल 85 हो गया है, पहले बहुत डाउन था, लेकिन पल्स रेट थोड़े से डाउन है। कोरोना का अभी टेस्ट नहीं हुआ है, वो कराना है। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे इनका ऑक्सीजन लेवल 85 के पास है, ऐसे में इन्हें जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है यहाँ पर दिया गया है, वो देखिए। साथ ही साथ के मरीज़ों को जहाँ वो लेटे हुए हैं बेड्स पर, जिन चीज़ों को छू रहे हैं, उन्हें बाकायदा सैनिटाइज भी जो है वो किया जा रहा है। सर, यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए हैं आपकी सेवा को शुरू हुए, और सबसे पहले खालसा हेल्प ने ही जो है शुरू की थी ये लंगर सेवा, और अब इतने दिन हो गए हैं, अभी तक क्या मरीज़ पहले की तरह यहाँ पर आ रहे हैं? सर, अब थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में आई है, अब उतना पैनिक सिचुएशन नहीं है जितना आज से 15 दिन पहले था। हमारा एक ट्रायल करते जब हमने वीडियो डाली तो यहाँ पर 50 गाड़ियों की लाइन उसी टाइम रात को 1:30 बजे लग गई, और उसके बाद जैसे ये पैनिक सिचुएशन बढ़ती रही, 500 से 1000 आदमी लाइन लगा के यहाँ खड़ा हुआ था, पर हर आदमी को हैंडल किया गया, हर आदमी की जान बचाई गई। जो हर हॉस्पिटल से धक्के खा के आया था, जिसको किसी ने अटेंड नहीं किया, पूछा तक नहीं, उन बंदों को यहाँ लिटा के ऑक्सीजन दे के उनका जीवन दान बचाया गया। वाहेगुरु निशान साहब की इसी ओड में, यही निशान साहब की ओड में कि यहाँ लोगों को तकरीबन 8 से 10 हज़ार आदमी जिनको कोई भी अटेंड नहीं कर रहा था, कोई हॉस्पिटल वाले उनसे बात तक नहीं कर रहे थे, उनको हमने यहाँ पे ट्रीट किया है। बाकी तो नॉर्मल कंडीशन वाले तो उससे भी ज़्यादा है। आपके एनजीओ द्वारा और क्या क्या जो है यहाँ पर सुविधाएं अभी मरीजों को दी जा रही है? खालसा हेल्प इंटरनेशनल जो काम कर रही है, इसमें पूरे 1 साल हो गए इनको कोरोना से फाइट करते। ये खालसा हेल्प इंटरनेशनल कोरोना के टाइम पर हमने रजिस्टर्ड कराई थी पिछले साल, और अभी तक रेगुलर कुछ ना कुछ कर रही है। अब यहाँ पर हम टेस्टिंग तो हमारी चली रही है कोरोना से रिलेटेड, 2.5 लाख टेस्ट कर चुके हैं, उसमें सरकार के साथ हमारा टाइप है। अब अगला एक सेटअप हमने गुरुद्वारा हाफ रोड लगाया, बहुत जल्दी आज या कल में हम डिक्लेयर करेंगे एक हॉस्पिटल 100 बेड का, एक हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। अभी कुछ परमिशन हम रिक्वायर्ड है, वो परमिशन हमें मिल जाएंगी। उसमें नेक्स्ट स्टेप है जो लोगों को प्रोवाइड कराना है मेडिसिन और उसका उपचार। अभी तो हम फर्स्ट एड में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे थे, आगे उसका क्या ट्रीटमेंट है वो उन हॉस्पिटल में होगा। उसमें बहुत जल्दी खालसा इंटरनेशनल टेक ओवर करने जा रही है और उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं आपके पास कॉन्सेंट्रेटर्स भी हैं और सिलेंडर्स भी हैं, तो आप किन मरीजों को कॉन्सेंट्रेटर्स देते हैं और किन को सिलेंडर्स, किस बेसिस पर जो है सिलेक्ट करते हैं? मरीज की जो कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर वो 50 से नीचे हम पहले ऑक्सीजन पे लाते हैं, ऑक्सीजन तो उसको 60 से अबव करते हैं 70 तक, फिर उसको मशीन पे लाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है और सारा कुछ डिपेंड करता है मरीज की उसके अवेलेबिलिटी पे, कंडीशन पे। कई मरीज स्टेबल रह जाते हैं, कई 90 पे आके स्टैंड कर जाते हैं, कई इसके बाद फिर डाउन आ जाते हैं। उनको जब तक वो डाउन आते हैं हम ऑक्सीजन लगाते रहते हैं, फिर उनको रिकमेंड करते हैं हम हॉस्पिटल में, फिर उनको इतना टाइम मिल जाता है कि वो अपने होम टाउन कहीं भी जाके, अगर यहाँ हॉस्पिटल नहीं मिल रहा वहाँ इंतजाम करके 2-4-5 घंटे वो अपने होम टाउन जा सकते हैं। इसके लिए हमने एक एम्बुलेंस सेवा चालू की है। इस टाइम आप देख रहे हो त्राही त्राही मची पड़ी है, एक शव वाहन को अगर 1 घंटा डिले हो गया, 1 घंटे के 2000 रुपये पे वो चार्ज कर रहे हैं, 2-4-5 हज़ार तो ले ही रहे हैं। अगर शमशान घाट पे लाइन लगी हुई है, उस गाड़ी से पेशेंट के रिश्तेदारों से 2000 रुपये पर घंटा
एक डेड बॉडी को वेट करने का, तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे लगते हैं। आप सोच सकते हो कि लोगों ने क्या आत्मचाई हुई है। और एम्बुलेंस के लिए पता चला कि दिल्ली से पंजाबी बाग जाने के 17,000 रुपये, और एक पेशेंट दिल्ली से लुधियाने गया 1,20,000 रुपये। इन सब को देखते हुए एक नई सेवा आज हम चालू कर रहे हैं, एम्बुलेंस फ्री सेवा। हर एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर होगा। शवन ऑलरेडी हमारे सड़कों पे हैं और कुछ गाड़ियां हमारी अभी यहां पहुंच रही हैं, और गाड़ियां हमने ली हैं वो हम ले रहे हैं। ये सिर्फ सेवा ही खालसा इंटरनेशनल पूरे NCR दिल्ली आसपास पंजाब तक पूरी मुहैया कराएगा। अभी वो सेवा चालू होने वाली है हमारी आज शाम तक। यहाँ पर आप लोग इतने दिनों से सेवा कर रहे हैं, आपके वॉलंटियर्स भी हैं, क्या डॉक्टर्स की कोई टीम भी यहाँ पर मौजूद है? मैडम हमारा ना कोरोना टेस्ट सेंटर लगा हुआ, उसमें डॉक्टर्स हमारे रहते हैं, उन्हीं की सुपरविजन में हमारा ये सारा चलता है। हमारे वॉलंटियर्स उन्हीं की सुपरविजन में काम करते हैं और आगे आगे ऐसे लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो डॉक्टर से आप यहाँ पर पॉजिटिव पेशेंट्स को भी ले रहे हैं, आपको भी काफ़ी रिस्क है, आप लोग खुद भी कोई अपना जो है ख्याल व्याल कैसे रखते हैं? मैडम वाहेगुरु है ना, वो वाहेगुरु ख्याल रखेगा। जब इतने लोगों की ज़िंदगी सेव कर रही है, हमारी फैमिली हमारी भी है, मेरा बच्चा भी पॉजिटिव है, 13 दिनों में 2 बार पॉजिटिव हो गया, पूरी रात सेवा करता रहा यहाँ। हमारे वॉलंटियर इंद्रप्रीत खुराना जी हैं, वो पॉजिटिव हैं, 2 लड़के और मेरे पॉजिटिव हैं। ऐसा नहीं कि हमें दिक्कतें नहीं आ रही, बट ये है कि इतनी बंदों की जान बचा के अगर हमें थोड़ा बहुत कष्ट हुआ तो कोई बात नहीं, लोगों की जान कितनी बची ये दिल में हमारी तसल्ली रहती है कि खालसा इंटरनेशनल आज लोगों की जान बचाने में पूरा कामयाब हुआ। आगे भी ये चीज़ कारवां चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। जहाँ भी कोई पूरे इंडिया में वर्ल्ड में कोई पैनिक स्थिति आएगी, खालसा इंटरनेशनल अपनी तैयारियाँ कर चुका है, वहाँ भी आपको अवेलेबल मिलेगा। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, हर लोग जुड़ना चाह रहे हैं, और आप लोग भी हमसे जुड़ना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर हेल्पलाइन नंबर 909-704-1313, एक नंबर और है 909-736-1313, इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आप हमसे जुड़िए। ये मानवता की सेवा है, कोई राजनीति नहीं है, कोई धर्म का कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ लोगों की इंसानियत की एक सेवा हो रही है। तो आप भी जुड़ेंगे, हमें हेल्प करेंगे तो हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा और जाके आगे आगे तक हम सेवा करने के लायक होंगे। आपने सुना, हमारे साथ अभी मौजूद थे खालसा हेल्प इंटरनेशनल के फाउंडर गुरमीत सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पर दिन रात उनके वॉलंटियर्स यहाँ पर जो है मदद कर रहे हैं यहाँ मरीजों के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर के हर वक्त यहाँ पर जो मरीज हैं उनके लिए वॉलंटियर्स और डॉक्टर्स मौजूद हैं, साथ ही साथ हर थोड़ी थोड़ी देर में जो है इनका ऑक्सीजन लेवल जो है चेक किया जाता है, ताकि कोई भी ऐसी यहाँ पर घटना ना घट सके, और जो भी मरीज़ हैं उनका पर्सनली यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अंदर भी जो है अब लंगर हॉल में काफ़ी जो है बेड्स की व्यवस्था करी गई है, ताकि जो पेशेंट सीरियस हैं जिनको बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन चाहिए, उन्हें यहाँ से अंदर जो है लंगर हॉल में जो बेड्स बनाए गए हैं वहाँ पर उन्हें रखा जा सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडिया के लिए धन्यवाद।